ओम शांति। महाभारत में एक वृत्तांत है अर्जुन का और भीम का। भीम को दिखाया है कि वो किसी की पूजा नहीं करता था कभी, उसके बस दो ही काम थे, एक भोजन और दूसरा युद्ध। पर अर्जुन जो दिखाया है वो भगत जैसा था, तो वो बहुत भक्ति भी करता था और वो शिव की भक्ति करता था और शिवलिंग पर बहुत सारे फूल चढ़ाता था। काल्पनिक कहानियां कहती है कि वो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को फूल ही चढ़ाते रहता था, और उसे अंदर से थोड़ा अहंकार भी था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और ये जो भीम है ये केवल खाते रहता है। तो कृष्ण को ये बात पता चलती है तो वो अर्जुन को एक बार अपने साथ लेके चलते जाते हैं घूमने, तो देखते हैं एक व्यक्ति बैलगाड़ी में बहुत सारे फूल लेके जा रहा है और वो बहुत जल्दी में है। तो अर्जुन उससे पूछता है, ये फूल तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो कहता है, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है। तो कृष्ण कहते हैं कि इसके पीछे पीछे चलते हैं, और वो दोनों उसके पीछे जाते हैं बैलगाड़ी के पीछे, और एक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर ढेर सारी बैलगाड़ियां होती है और वहां पर ढेर सारे फूल ही फूल होते हैं। इतने सारे फूल कहां से आए? तो कहते हैं, मैं तो बहुत परेशान हूं, अब इतने सारे फूल भगवान को चढ़ाने हैं और ये कुछ फायदा भी नहीं है, कुछ काम के भी नहीं है, इससे तो अच्छा। वो कहता है, ये फूल किसके है? तो वो कहता है, ये अर्जुन के सारे फूल है जो उसने शिव पर चढ़ाए थे, परंतु मैं तो उसकी तलाश में हूं जो सच्चा भक्त है। और वो पूछता है, सच्चा भक्त कौन है? तो वो कहता है, भीम। तो वो क्या करता है? तो वो कहता है, वो बस एक ही बार भोजन करने से पहले अपनी सारी शक्ति से, पूर्ण मन से और संपूर्ण एकाग्रता से अपने हाथों को यहां लेके जाता है, माथे पर प्रणाम करता है शिव को, और फिर भोजन एकदम खा लेता है, फिर याद नहीं करता। पर उसका जो वो कुछ पलों का याद करना है शिव को, उसमें संपूर्ण एकाग्रता रहती है। और दो जो अर्जुन है वो जो 2-2 घंटे बैठे रहता है फूल चढ़ाते हुए, वो तो बस फूल फेंकते रहता है, और अभी ये इतने सारे फूल मुझे लेके पहुंचाने हैं और वो भी पता नहीं पहुंचा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो वैष्णव में दिखाते हैं कि कितना देर तक कौन पूजा कर रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से कर रहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कितनी एकाग्रता से पूजा की जा रही है, कितनी समग्रता से इंटीग्रेटेड होकर पूजा की जा रही है। तो दिखाया है कि भीम भले ज्यादा बुद्धि नहीं थी उसके पास, परंतु उसकी एकाग्रता अच्छी थी, कम से कम ईश्वर को याद करने में, ऐसा दिखाया है। तो जहां जहां एकाग्रता होगी वहां बहुत सारी चीजें हो जाएगी। कौन कौन सी? 4 तो बाबा ने गिनाई है, 5 प्रश्न है, उसमें का पहला प्रश्न। बहुत दिन हो गए वैसे मुरली को वो मुरली को छोड़कर वैसे बताओ जब हम एकाग्र हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है, इधर उधर एकाग्रता अर्थात भटकना बंद हो जाता है, एक टिक बुद्धि हो जाती है, तब क्या होता है? शरीर का भान भूल जाता है और संकल्प सिद्धि होती है और शक्तियां इमर्ज होती है, और एकाग्रता से क्या हो जाता है? जब हम अचानक एकाग्र हो जाए एकदम,
लक्ष्य तक पहुंचना सहज होता है और सफलता इजीली मिलती है और क्लैरिटी, मन में स्पष्टता और वायुमंडल ऑरा प्रभा मंडल तो क्लियर स्पष्ट दिखता है और समय की बचत, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तो कम समय में भी अगर कुछ पढ़े तो तुरंत याद रहता है, याददाश्त शक्ति बहुत तीव्र कुशाग्र हो जाती है। जो व्यक्ति वास्तव में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो एकाग्रता वाले और एक जिनकी बुद्धि भटक रही है, एकाग्र बुद्धि और भटकती बुद्धि। जहां एकाग्र है वहां पर स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही बार पढ़ लिया पर वो ऐसा पढ़ लिया कि बस। पुराने जमाने में गुरुकुल जो होता था उनको एकाग्रता के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी, एक नक्शा दिखाया जाता था और देख लो कहां कहां क्या क्या है और फिर स्मरण करो कहां क्या है कहां क्या है। क्योंकि कई बार मिलिट्री में भी ये सिखाया जाता है, क्योंकि अगर पकड़े गए जो तो भी दस्तावेज है वो क्या करते थे, खा लेते थे ताकि शत्रु तक वो ना पहुंच पाए, देख लेते थे और खा लेते थे उसको, कागज है कुछ भी है। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है आत्मसात करने के लिए, ज्ञान को कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है समय की बचत के लिए और ज्ञान मार्ग में। एक ब्राह्मण आत्मा के लिए एकाग्रता क्यों आवश्यक है, मुरली पढ़ने के लिए सबसे पहले तो, मुरली सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। मुरली में बैठे हैं परंतु बुद्धि भटक रही है, कुछ पता नहीं, आधी बातें तोड़ गई क्या सुना, या फिर मुरली पढ़ रहे पर पढ़ते समय एकाग्रता नहीं है तो एक ही पैराग्राफ मुरली कोई भी एक ही पैराग्राफ कितनी बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ रहे पर कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे चार पेज की मुरली है अव्यक्तवाणी, कोई कितनी बार पढ़ा पर लिंक समझ में नहीं आ रही है उसकी कोई भी। जैसे मुरली पढ़नी है किसी को और उस मुरली में 10 पैराग्राफ है या 8 पेज की मुरली है, 8 पेज की मुरली अगर रिवाइज करानी है तो सबसे पहले तो जैसे ये मुरली है, जैसे एक ही मुरली ले लो, इसको 4 पेज की मुरली है, 1, 2, 3 और ये 4, तो सबसे पहला तो जब तक एकाग्रता नहीं, यहां पढ़ना चालू किया यहां तक पहुंचते पहुंचते जो ऊपर पड़ा वो गया, इधर पहुंचते पहुंचते पूरा ना गया इधर का गया, लास्ट तक आते तक वो पैटर्न समझ में नहीं आया। मुरली ऐसे पढ़ना है कि जैसे वो डिवाइड हो जाए, उसको पार्टीशन कर देना, यहां ये पॉइंट पूरा हुआ, यहां से शायद दूसरा पॉइंट चालू हो रहा है, यहां तक ये पॉइंट है, यहां से दूसरा, वहां से दूसरा, क्योंकि साकार मुरली याद रखना सबसे कठिन है, अव्यक्त तो बहुत आसान है, क्योंकि साकार मुरली में कोई एक टॉपिक नहीं है, अव्यक्तवाणी एक टॉपिक पर है और एक टॉपिक पूरा होता है, हाँ इसके अभी 4 कारण है, ये 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे, 3 प्रकार की रिजल्ट देखी, फिर एक रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, कभी कभी तीसरी बताते ही नहीं और अगली बार बताएंगे, अगली बार कभी आता नहीं ये ऐसा भी हुआ है तो पर फिर भी उसमें पैटर्न है एक, साकार में कोई पैटर्न नहीं है, साकार में कहां पॉइंट पूरा हो रहा है और कहां नया चालू हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है। समय से चालू किया और तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है आज की मुरली, और वो कहां पूरा हुआ और दूसरा कब चालू हुआ पता ही नहीं। तो साकार मुरली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवाइड करना साकार मुरली को, जैसे यहां ये पूरा हो गया उसको ये कर दो, यहां से चालू किया ब्रैकेट कंप्लीट, ये पॉइंट अब पूरा हुआ, अभी ये दूसरा चालू हो रहा है, तो जाके कई याद। हमने कई भाई बहनों को देखा यहां लिखते हैं, कई सारी टीचर्स बहनें जो मुरली पढ़ती है सेंटर पे, यहां पॉइंट्स लिखती है, यहां फिर ये दूसरा, फिर यहां दूसरा, फिर यहां दूसरा, फिर यहां
कुछ और, यहाँ तीर्थ यात्रा, यहाँ भक्ति की पॉइंट, यहाँ मीरा की पॉइंट, यहाँ नारद की पॉइंट, यहाँ काशी कलवट की पॉइंट, यहाँ घर जाने की पॉइंट, ये संसार तमो प्रधान है, छींची है, पुराना है, फिर ये अलग 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 पॉइंट। तो मुरली को डिवाइड करना है, क्योंकि मुरली जो है साकार मुरली कंटिन्यूअस है। साकार मुरली और दादी जानकी का क्लास, ये दो जो चीजें हैं इनको याद रखना बहुत मुश्किल है, बाकी सबके क्लासेस याद रखे जा सकते हैं, क्योंकि कब एक पॉइंट पूरी होती है और दूसरी चालू होती है वो बताया नहीं जा सकता, समझ में नहीं आता है। जैसे निबंध होता है, एक होता है कंटिन्यूअस ऐसे, कंटिन्यूअस ऐसे कैसे होता है, उसमें कहां पूरा हो रहा है और कहां चालू हो रहा है दूसरा बताना मुश्किल है। भारत मेरा देश है, इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, धर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी इतनी नदियां, हिंदू धर्म में नदियों का बहुत बड़ा बड़ी महत्व है, नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है। आज गंगा नदी की हालत बहुत खराब है, खराब ये विशेषण है, विशेषण व्याकरण में इसको कहा जाता है। व्याकरण संस्कृत भाषा का बहुत कठिन है, संस्कृत भाषा भारत की पुरातन भाषा है, अभी चालू कहां से किया और शब्दों को पकड़ के नया वाक्य बन रहा है। भाषाएं बहुत सारी है भारत में, इतनी भाषाएं हैं, पर उसमें सबसे अच्छी भाषा हिंदी है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मातृभूमि के लिए प्रेम होना चाहिए, मातृभूमि के लिए प्रेम करने वालों की संख्या, उसमें एक अच्छा मातृभूमि को प्रेम करने वाला महाराणा प्रताप, उसका जन्म कहां, राजस्थान में हुआ था, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये है, अब इसको याद करो। इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, जहां वाक्य पूरा हो रहा है, जो एक शब्द उठा के फिर दूसरा वाक्य चालू हो रहा है, साकार मुरली का ये पैटर्न है, साकार मुरली का ये पैटर्न है। कोई भी साकार मुरली ले लो, उसमें ऐसा ही है। आज की मुरली है, यहां साकार मुरली कहां एंड हो रहा है और कहां चालू हो रहा है बता नहीं सकते। जैसे आज की मुरली, ठीक है, बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेगा या गुस्सा करेगा। तो बात चालू हुई बाप से, उसको तुमको डरने की बात नहीं है, पर उसकी अभी कंपैरिजन किसके साथ किया, उन गुरुओं के साथ, उन गुरुओं में तो बहुत क्रोध होता है, तो मनुष्य उनसे डरते कहीं शाप ना देते। यहां तो ऐसी बात ही नहीं है, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं, बाप से डरते वह है, फिर डरते, ये दूसरा टॉपिक चेंज, डरते वो है जो खुद चंचल होते हैं, वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते, यहां तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं कर, समझते अगर बाप को अभी याद का क्या लेना देना, समझते हैं अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझा नहीं देते रहते हैं, आगे के लिए सुधर जाए, बाकी ऐसे नहीं है कि बाप नाराज होते, बाप तो समझाते रहते, बाप बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो, याद है मुख्य, वो सब रह गया टाइम वेस्ट। अब ये पैटर्न तो ये चालू कहां से हुआ, और परंतु हां याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कैसे शब्दों से जोड़ा है, कुछ बाकी सिर्फ ये जो है ना ज्वाइनिंग वर्ड्स, बाकी एक लाइन का दूसरे लाइन से कोई लेना देना नहीं है, पर जोड़ा किन शब्दों से है, ये इन शब्दों से जोड़ा हुआ है। यहां तो बाप कभी गुस्सा नहीं करते, समझाते हैं, बाप तो समझा नहीं देते, आगे के लिए सुधर जाए, बाकी बाप नाराज नहीं होते। साथ साथ, ये साथ साथ एक शब्द है जो कहीं पर भी डाला जा सकता है, कहीं पर भी साथ साथ डाल दो, टॉपिक चेंज कर दो, तो जैसे जैसे साथ साथ आएगा मतलब टॉपिक चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ परंतु जैसे, ये सारे जो है ना ये टॉपिक चेंजर्स है बाबा के, बाबा ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, पर ये सामने वाले को पता नहीं चलता कहां, और वो कहता है मुरली तो बहुत बार पढ़नी चाहिए पर याद तो कुछ रहती नहीं, कैसी रहेगी, क्योंकि सुनाने वाले ने ऐसी टैक्टिक्स प्रयोग की है
ऐसे कुछ उसके जो उसकी जो स्टाइल है वो ऐसी है कि सामने वाला उसको याद ही नहीं रख सकता। जैसे साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, बाकी धैर्य भी गुण भी धारण करने हैं, याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, परंतु वह है सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का क्या लेना देना, टाइम वेस्ट की बात चालू थी तो इधर सोर्स ऑफ इनकम आ गया। फिर सोर्स ऑफ इनकम है हाँ, परंतु उसके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। परंतु तो परंतु जो आया मतलब यहां टॉपिक चेंज हो गया है, परंतु उसके साथ दैवी गुण भी धारण, इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। फिर अभी इस समय की बात आ गई, बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। वहां सतयुग में तो सीखना नहीं होता, अभी यहां सीखने की बात चालू थी, वहां सतयुग को जोड़ दिया। सतयुग की पॉइंट ऐसी है कि बाबा कहीं पर भी प्रयोग करके टॉपिक चेंज करता है, यहां का कोई भी बात चालू है और तुरंत सतयुग में जोड़ देता है टॉपिक ही चेंज। तो ये टॉपिक चेंजर है उसके। यहां तो मां बाप के बच्चे सब सीखते, बाबा गरीबों की बात करते, ये टॉपिक चेंज। साहूकारों के लिए तो यहां जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह तो पढ़ाई है, पर टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते, कैसे हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते, मां बाप को कैसे देखते रहते, फिर छोटेपन में तो सब खराब हो जाते। यह रूहानी बाप कहते मैं तो गरीब निवास हूं। अब बताओ कैसे याद करोगे इसको, तो ये एक टॉपिक कहीं है ही नहीं, परंतु जैसे बाकी बरोबर साथ साथ ये शब्दों से टॉपिक्स बदले हैं पूरे, इसलिए वो मुश्किल हो जाता है। तो क्या चाहिए यहां पर, एकाग्रता। तो 21 तारीख की जो मूर्ति थी, 5 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या अनुभूतियां होती थी, उत्तर थे 4। सबसे पहला एकाग्रता से क्या होता है, एकरस स्थिति, एकरस परिष्ठा स्थिति। एकाग्रता से क्या होता है, एक बाप दूसरा ना कोई इसकी अनुभूति। एकाग्रता से और क्या होता है, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। और एकाग्रता से क्या होता है, निर्विघ्न। सबसे पहला तो बताया एकाग्रता से क्या बनते हो, निर्विघ्न बनते हो। एकाग्रता से दूसरा बताया एक बाप दूसरा ना कोई, एकाग्रता से क्या होते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई फरिश्ता स्थिति। और एकाग्रता से चौथा सबके लिए 3 चीजें, कल्याण, स्नेह, सम्मान। ये सब किससे होगा, एकाग्रता से। तो मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना है, एकाग्र हो जाए कोई एक चीज में, खो जाए उसमें। जैसे एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं साइंटिस्ट, वो खोए रहते हैं अपने रिसर्च में दिन रात, उनको कुछ खबर नहीं रहती है, भोजन की थाली आके रखी हुई है। शाम हो गई उसको पता ही नहीं भोजन रखा है, इतना डूबा हुआ है अपने रिसर्च में, एकदम जैसे उसकी बुद्धि कहीं और है, वहां है ही नहीं वो, इतना एकाग्र है अपने काम में। जैसे वो मछली पकड़ता है, कोई मछली पकड़ रहा है, रामकृष्ण परमहंस ने उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा है, राह चलता है एक व्यक्ति पूछता है क्या यहां से कोई बारात गई, वो कहता है मुझे तो नहीं पता बारात गई या नहीं गई, बारात गई है अभी अभी वहां से, बारात चली गई ढोल बजे, पर उसे पता ही नहीं क्योंकि वो मछली पकड़ने में लगा हुआ है, एकदम एकाग्रता। हाँ, जैसे ही मछली उसने पकड़ ली वो कहते हाँ आपने कुछ पूछा, तो तन्मयता, दत्त चित्त होकर कोई चीजें करना, रैप्ट अटेंशन, खो जाना उसमें, कोई भी चीज करो इतनी एकाग्रता से, इतनी एकाग्रता से कि उसके रहस्य तभी पता चल जाते हैं। ये मुरली पढ़नी है कैसे, कितनी एकाग्रता से पढ़ी जा रही है, एकाग्रता से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टॉपिक्स कहां कहां बदल रहे हैं, इसमें से कितने टॉपिक अभी निकल गए। सबसे पहला टॉपिक डरने का कारण क्या क्या है, चंचलता के कारण क्या क्या है। अगला टॉपिक टाइम वेस्ट कहां कहां बच्चे करते हैं, फिर वो गुरु कब नाराज होते और बाबा कब नाराज होते हैं होंगे तो, और सोर्स ऑफ इनकम, संसार में सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, 8 सोर्स ऑफ इनकम बताओ,
संसार में सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है? एक तो सैलरी, जिसको बिजनेस से मिले या कोई से चीज से मिले, एक तो सैलरी, दूसरा किराया, घर किराए पे दिया है, हम कुछ कर रहे हैं क्या? किराए से पैसा आ रहा है। दूसरा, तीसरा ब्याज, बैंक में जमा कर दो, डिपॉजिट होता है, एक 20 साल के बाद में बढ़ जाता है, और लॉटरी, और इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम, घर माँ बाप मर गया, सारी जायदाद छोड़ के चला गया, तो मिल गई ना। फिर उसके बाद में जमीन आज खरीदी, ठीक है, आज जमीन खरीदी, 20 साल के बाद में वो जमीन की कीमत कितनी हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। तो हमने कुछ किया क्या जमीन के साथ? कुछ भी नहीं किया, जो किया समय ने किया। तो वो भी शेयर, दूसरा है शेयर मार्केट, बैंक, शेयरिंग मार्केट, और ये ऐसे पूरे सोर्सेस ऑफ इनकम है संसार में। हाँ, गड़ा हुआ कहीं तो धन ही मिल जाए, गड़ा हुआ ट्रेजर, तो ये सब इसको कहते हैं। तो ये है चिंतन की धारा। यहां पे सोर्स ऑफ इनकम सुना और छोड़ नहीं देना है, फिर सोचना है सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, संसार में सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। या पहले कुछ काम नहीं करता था, अभी दामाद ही बन गया, तो सब मिल गया उसको, घर दामाद, घर जमाई, तो सब मिल गया ना, वो भी सोर्स ऑफ इनकम हो गया उसके लिए। तो ऐसा, ये दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ इनकम। हाँ, दहेज, दहेज भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। फिर तो गरीब निवास, बाप गरीब निवास है, क्यों? उस दिन उदाहरण दिया था अब्राहम लिंकन का, दिया था ना, जब अब्राहम लिंकन आए तो उसकी जीवन कहानी क्या है वो थोड़ी जानने की कोशिश करो। 14 बार फेल हुआ जीवन में, जो जो कुछ किया फेल, जो जो कुछ किया फेल, पत्नी मर गई, जिससे प्यार करता था वो मर गई, जो जो इलेक्शन लड़ा सब हार गया, लास्ट में 1860 में इलेक्टेड एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लास्ट में, इतना फेलियर के बाद, और पैसा उसके पास कुछ भी नहीं। तो एकाग्रता से ये चार चीजें होती है, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, सबसे पहला बताया निर्विघ्न, ये भी चिंतन का विषय है, एकाग्रता से निर्विघ्न कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जब हम एकाग्र नहीं है तब बहुत सारी चीजें हमारी बुद्धि में नहीं रहती, एकाग्रता जब रहती है तब अलर्टनेस रहती है कि ये समस्याएं आ सकती है, इसमें पहले से ही पता है, ये मार्ग से जा रहे तो यहां ये प्रॉब्लम हो सकती है, पहले से ही सोच के रखा है बहुत सारी चीजें, प्लानिंग है चीजों की, इसके लिए पहले से ही प्रबंध भी करके रखेंगे। तो एकाग्रता से निर्विघ्नता, एकाग्रता से एक बाप दूसरा ने कही, हजारों बार सुन के रखा है ये, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप, तकिया कलाम इंग्लिश में कहते हैं, क्लेशे, वो एक ही चीज इतनी बार रिपीट हुई है, इतनी बार रिपीट हुई है कि उसका अभी असर होना ही बंद हो गया है, या तो शब्दों को उलट पुलट करो या कुछ और करो, एक बाप दूसरा ना कोई अर्थात इसको उलट करो, थोड़ा आगे पीछे करो वाक्य को, दूसरा कोई नहीं है केवल एक बाप है, ये वाक्य में पावर है अब, बाकी एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इसमें वो तक ये हो गया है, उसमें रटा रटाया हो गया, तोता रटा नहीं है, इसको चेंज करो कि बाप मेरा एक ही है, दूसरा मेरा कोई नहीं है, ये भी चलो ठीक है। तो कुछ तो वाक्य को बदलने पड़ेंगे, शब्दों को बदलने पड़ेंगे, शब्दों इधर से उधर कर दो थोड़ा उलट पुलट, तो उसमें थोड़ी नवीनता आएगी, नहीं तो वही 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 वही, बाबा एक बाप आप ही, एक बाप दूसरे ने कोई, एक बाप ही संसार है, एक बल एक भरोसा, अभी एक बल एक भरोसा कब तक कहते रहोगे, एक सहारा एक भरोसा, कुछ तो उल्टा करो आगे पीछे कर दो, तो उसमें थोड़ी नवीनता आएगी। तो तीसरा बताया फरिश्ता एक स्थिति, और फिर सम्मान स्नेह कल्याण। तो ये पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था ब्रह्मा बाप जैसी स्थिति, संपन्न स्थिति नजदीक आती रहेगी तो कौन सा समान है? तो समान है मैं फरिश्ता हूं,
कौन सा फरिश्ता, मैं क्या हूँ, फरिश्ता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने कहा कि सूक्ष्म लाइट की अनुभूति अंदर होती थी, बोलते हुए भी जैसे वहां है ही नहीं, दृष्टि डायरेक्शंस दे रहे परंतु दृष्टि जैसे अलौकिक है, उपराम है, देह में है पर देह में नहीं है। यह अनुभव, देह से कितना वैराग, देह को भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, कितनी बार मुरलियों में आता है, देह का भान भूल जाओ। तो देह से सूक्ष्म डिटैचमेंट, देह में है पर है नहीं, यहां अभी अभी यहां है और अभी अभी देह से बाहर। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था किस बात का अटेंशन रखना है, उत्तर था मन की एकाग्रता का। किस बात का अटेंशन चाहिए फरिश्ता बनने के लिए या ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, मन की एकाग्रता का। जितना मन एकाग्र होगा तो उतना ही हो सकता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो ये ढूंढो कि मेरी बुद्धि कहां भटकती है, डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कौन सी चीजें हैं जो मेरा टाइम वेस्ट कर देती है। एकदम वैसा इतना ध्यान रखता हूं समय का, जब भी घड़ी की घड़ी को देखो तो क्या सोचो, जो एक एक कांटा आगे बढ़ रहा है, सोचना एक एक कांटे के साथ, एक एक टिक टिक के साथ मेरी एक एक श्वास कम हो रही है, एक एक श्वास एक एक ब्रेथ मेरी कम हो रही है। जब भी टिक 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 सुनो, सोचना एक एक पल कम हो रहा है जीवन का। समय के तीन गुण है, यह हमेशा याद रखना है, समय की तीन बातें, समय के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स गुण है। सबसे पहले समय को रोका नहीं जा सकता है, नॉन स्टॉपेबल, इस संसार में कोई भी समय को नहीं रोक सकता। दूसरा नॉन स्टोरेबल, समय का संचय नहीं किया जा सकता है, बाकी चीजों का संचय किया जा सकता है। आज पानी नहीं आने वाला है, जमा करके रखो बाद में यूज करेंगे, धन जमा करके रखो बाद में यूज करेंगे, साधन जमा करके रखो, भोजन का शाम को मिलने वाला नहीं है, शाम को काम आएगा, सब कुछ स्टोर किया जा सकता है, समय को स्टोर नहीं किया जा सकता है। गया तो गया, समय को रोका नहीं जा सकता, वो भाग रहा है एकदम तेज गति से। फिर तीसरा, समय सृजनात्मक नहीं है, बाकी सभी चीजें सृजनात्मक है, अर्थात क्रिएट की जा सकती है, समय को क्रिएट नहीं। एक जो गया वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसको वापस नहीं लाया लौटाया जा सकता, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, सृजनात्मक समय नहीं है, वो जो गया वो गया। तो ये समय के तीन बातें हैं। तो बाबा ने क्या कहा, एकाग्रता। तो एकाग्रता भंग करने वाली कौन सी चीजें हैं, क्या हो जाता है जब एकाग्रता एकदम नष्ट हो जाती है। जैसे कोई आराम से योग करने बैठा हुआ है, सब कुछ ठीक है, और अचानक कोई मैसेज आ जाता है या कोई न्यूज आ जाती है मोबाइल पर, डिस्टर्ब हो जाता है। वो ढूंढना है वो कौन सी बात है जो मेरे जैसे योगी को डिस्टर्ब कर देती है। अब मेरे जैसे योगी डिस्टर्ब हो रहा है तो बाकियों की क्या बात। तो डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शंस कारण क्या है। फिर एक दूसरा ही प्रश्न पूछा चौथे नंबर का, क्या प्रश्न था, कि करना तो नहीं चाहते थे पर हो गया, वशीभूत आत्मा। और ये सबका अनुभव होगा कि करना तो नहीं चाहते थे पर हो गया, सोचा तो नहीं था पर हो गया, सोचना तो नहीं चाहते थे पर हो गया, सोच लिया कर लिया, मन तो कह रहा था नहीं नहीं नहीं, लास्ट तक कह रहा था नहीं, पर फिर भी कर लिया, और कर लिया और उसके बाद में पश्चाताप, और उससे छूट भी नहीं पा रहे, वशीभूत हो गए, जैसे उसके इतने अधीन हो गए कि हाथ में ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है सब विकर्म, कंटिन्यूअस एक के बाद एक विकर्म होते जा रहे, जैसे बॉल ऊपर से सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, उसके नीचे आने का कोई ऊपर आने का चांस ही नहीं है, वो नीचे नीचे ही जा रहा है, उसी तरह यह भी वैसा ही है, वशीभूत हो जाना। इसलिए देखना है मैं किसी के वशीभूत तो नहीं हूं, मोह निद्रा में तो नहीं हूं, किसी एक व्यक्ति के मोह में तो नहीं फंसा हूं, मोह निद्रा से बाहर निकलना है, क्योंकि मोह अगर है
तो कुछ ना कुछ होते रहेगा। मैं वशीभूत रहूंगा व्यक्ति हो के, सभी व्यक्तियों से स्वयं को दूर करना है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, कोई दूसरा बात करे तो ठीक, किसी को पकड़ के फोन करूं कि कैसे हो और क्या हो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट, उधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है, वेस्ट क्यों? शांति से बाप को याद करो एक जगह बैठकर। तो संसार में तो हजारों खबरें हैं, टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, इंग्लिश में कहावत है, बहुत सारी सूचनाएं जिसके पास होती है ना वो बेचैन हो जाता है। इसके लिए अपने अपने काम किए, जितना काम का उतना ले लिया, बाकी छोड़ दिया। तो ये नहीं करना था फिर भी कर लिया, नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्या करना है, समय, समय को पुण्य में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टाइम इनटू पुण्य। जो जो कर्म करेंगे दिनचर्या में वो पुण्य में रूपांतरित हो जाए, टाइम को कन्वर्ट कर देना पुण्य में, तो फिर पश्चाताप नहीं होगा। अच्छे कर्म, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है वो होटल में जाता है और बैठता है, बहुत भीड़ होती है पर वो एक टेबल पर वो ले लेता है, एक टेबल, एक एक टेबल वाला होटल होता है। तो वो वेट्रेस होती है वहां पे कोई लेडी विदेश में, तो वो आती है, वो कहती है क्या चाहिए, तो वो कहता है वो दिखाओ मेनू, तो वो कहता है ये आइसक्रीम चाहिए, तो पूछता है कितने का है ये आइसक्रीम, अच्छा वाला आइसक्रीम, तो वो कहती है 50 रुपए। तो वो फिर अपने थैला निकालता है, उसके बाद बहुत सारे सिक्के होते हैं, एक एक गिनना चालू करता है, वो इतनी इरिटेड होती है उसको देखकर, एक 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 गिन रहा है, तो वो कहता है नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, तो फिर कौन सा चाहिए, वो सब कहता है दूसरा, तो कहती ये वाला, तो कहते हैं हाँ ये कितने का है, 30 रुपए का, फिर गिनना चालू करता है एक 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 गिनता है 30 रुपए। तो बहुत, और तब तक इतनी भीड़ लगी रहती है लोगों को, ये खाली करे टेबल तो दूसरा कस्टमर बैठे वहां, तो तो और फिर वो लेके आती है वो वाला आइसक्रीम, वो थोड़ा कम 30 वाला, थोड़ा क्रीम बीम जिसमें कम होगा तो वो खाता है आइसक्रीम और फिर जाता है काउंटर पर, अपने पैसे देता है और चला जाता है। तो वेट्रेस वो सोचती है कैसे कैसे पता नहीं बच्चे आ जाते हैं, और फिर जाती है उसके पास, टेबल पर जाती है और वहां पे वो जो होता है बिल, उसके अंदर एक टिप वो छोड़ के जाता है 20 रुपए उसके लिए वो चाहता था तो वो पहला वाला आइसक्रीम ले सकता था, परंतु उसको इसके लिए कुछ छोड़ना था उसको आंसू आ जाते हैं तो पुण्य एक ऐसी चीज है कि जहां जहां मौका मिल जाए समय को पुण्य में रूपांतरित कर दो। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, एक टाइम को पुण्य में कन्वर्ट कर दो ताकि कुछ पश्चाताप ना हो। फिर ये ना होगा तो करना नहीं चाहते थे कर लिया, होना नहीं चाहते थे पर हो गया, और जो करना चाहिए थे वो तो कर ही नहीं रहे। और फिर ब्राह्मण आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है गिल्ट कॉन्शियसनेस, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में छोटे, अगर इतना छोटा पाप होता है उसकी अपराध भावना इतनी बड़ी होती है, छोटा सा पाप अगर हो जाए तो इतनी बड़ी गिल्ट कॉन्शियसनेस होती है। इसलिए इस वो तो चलो इसके लिए माफ भी किया जा सकता है, पर इसके वजह से पुरुषार्थ नहीं कर पाता फिर व्यक्ति, कि ये मेरे में ऐसा आ गया, मेरे में ऐसा आ गया, ऐसा आना नहीं चाहिए था। इसलिए अगर छोटे मोटे ये पाप हो भी जाते, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं पाप को बढ़ावा दे रहा हूं, परंतु अगर ये हो भी जाता है उसका बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करता, ठीक है फुल स्टॉप, हो गया चलो आगे बढ़ो, होता है सबसे होता है, ऐसा कौन है कि जिसने कोई भी पाप नहीं किया है, सबने किए है छोटे मोटे पाप, हम तो बड़े छोटे पापी है पापा तो गिल्ट कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा है, जो काम जो पाप किया वो इतना है, परंतु अभी उसको भी कितने साल हो गए पर अभी तक वही चिंतन चालू है, जो भी मिलता है बस उसके उससे वही बात करते हैं कि मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, नहीं होना चाहिए। मोस्टली कुमार और मोस्टली काम विकार से संबंधित, क्योंकि इसके बारे में बाबा ने बड़ी कड़ी बातें कही है, माना कि बहुत कड़ी बातें कही है, पर इनका जो अपराध भाव है वो बहुत बड़ा है। कुमार और कुमारिया जो कुछ हुआ वो हुआ, पर वो उसको भूल ही नहीं पा रहे,
मुरली सुन रहे हैं, मुरली में मन नहीं लगता। अमृत वेला करते हैं, इच्छा नहीं होती है। सेवा दिन भर कर रहे परंतु मर मर के कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से एक भाव है कि बाबा को मैं पसंद नहीं हूं, क्योंकि मेरे हाथ से काम विकार संबंधित यह पाप हुआ है। और उनको यह भी पता है काम महाशत्रु है, और बाबा ने काम के लिए कैसे कड़े कड़े वाक्य कहे। सारी क्लासेस सुन रखी है ब्रह्मचर्य की, सारी किताबें पढ़ रखी है ब्रह्मचर्य की, उससे आत्मग्लानी और ज्यादा बढ़ रही है। सबसे पहले तो अभी ऐसी क्लासेस सुनना बंद कर दो। ये माना ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है, परंतु वो जो आत्मग्लानी है वो उसको कुछ भी नहीं करने दे रही है। अपराध भाव इतना ज्यादा है, इतना अपराध भाव है, वो कहता है मैं किसी लायक ही नहीं हूं, गलती से ब्राह्मण बन गया। इसलिए तो बोल रहे आज। तो ये वाली बात, तो वशीभूत अगर हम हैं, उससे बाहर निकलना है। अपने आप को माफ कर दो, माफ कर दो, अच्छी अच्छी बातें करो कि हे योगी मैंने अपने आप को माफ कर दिया, तेरा पाप बहुत छोटा है, यहां बड़े बड़े पापी बैठे हैं, मेरा तो बहुत ही छोटा है, और बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया, अभी मैं आज से सब कुछ नया चालू करूंगा। नया पुरुषार्थ, नया उमंग उत्साह, सब कुछ नए, और छोटे छोटे पुण्य करने, पकड़ना है पुण्य को, कहां पुण्य किए जा सकते, छोटे 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 पुण्य करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ये पाप खत्म हो जाएगा, वो तो भूल जाएगा। पाप पाप अंधेरा है, पाप से मुक्त होने के लिए लड़ाई नहीं करनी होती है, रोशनी चाहिए, रोशनी अर्थात पुण्य, पुण्य को लाओ, पुण्य को लाओ, जहां पुण्य है वहां पाप नहीं है। तो पाप का चिंतन करने से मेरे से ही हो गया, पाप से मुक्त नहीं होंगे कभी भी। तो ये एक और लास्ट प्रश्न था मुरली में, फॉलो ब्रह्मा बाप कहां करना है। तो ब्रह्मा बाप क्या करते हैं, फरिश्ता सामने खड़ा है, दृष्टि दे रहा है, मेरा फरिश्ता स्वरूप सामने खड़ा है और मुझे देख रहा है, मेरा अपना संपन्न स्वरूप सामने खड़ा है, मैं यहां हूं, वो उधर से आ रहा है, धीरे 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 धीरे, और वो इसमें मिल जाता है और एक हो जाते हैं। तो अपने संपन्न स्वरूप को देखना है और अपने अंदर मिलाना है। तो ये पांच प्रश्न थे मुरली से। ओम शांति।